दर गिलास रेडी हो जा रहे लस्सी दे जी दही की मलाई ये दही की मलाई पहले उतारी जा रही है और खालिस दही की मलाई लग रही है इसका रंग भी थोड़ा थोड़ा पीला होता है। दिन होवे इतवार दा ते लाहौरीए अंदरून लाहौर शहर दी तारी दी लस्सी ना पीन ऐ नहीं हो सकता। और बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती बल्कि यहाँ लस्सी के सीन्स के साथ साथ खालिस दही के भी क्रेज़ी किस्म के मनाजिर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैसे ही सूरज निकलता है लोग भी अपने घरों से तारी की लस्सी पीने निकल आते हैं। तो आइए आज हम भी ट्राई करते हैं तारी की फेमस दही और लस्सी, और लोकेशन आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। ते शुरू करिए फिर। ये जी यहाँ पर रश लगा हुआ है, आप देख सकते हैं सुबह का वक्त है और आवाम जो है वो दही लेने के लिए वेट कर रही है। जी दही की मलाई ज़बरदस्त, ये दही की मलाई पहले उतारी जा रही है और खालिस दही की मलाई लग रही है। इसका रंग भी थोड़ा थोड़ा पीला होता है। ये गाय का दूध ज़्यादा है, गाय का दूध है ये, इसमें ज़्यादा गाय का दूध। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जी अपना जो भैंस का दूध होता है उसमें होता है। सही हो गया जी। अच्छा जी, ये जी गाय का दूध भी है, ज़्यादातर वो है। ये जी आप देख सकते हैं यहाँ पे लस्सी के सीन चल रहे हैं और यहाँ पे पहलवान लस्सी जो है वो बना रहे हैं। ये देखिए ये मलाई है, दही की उतार के रख दी जाती है, ये चीनी है, उसके बाद इस मदानी के साथ जो है वो रिड़का लगाया जाता है लस्सी को। और आवाम देखें क्या ज़बरदस्त सीन्स हैं, आवाम वेट कर रही है और लस्सी का, जब तक लस्सी बनेगी और फिर आवाम को मिलेगी। भलवान जी की हाल है, ठीक हो? भलवान जी कितने साल हो गए लस्सी दुकान को? 50 साल हो गए। अच्छा कितने साल हो गए भलवान जी? 50 साल हो गए। भलवान जी साड़ी लस्सी मशहूर क्यों है, की वजह की है? नहीं तो लस्सी बड़ी मशहूर है। नहीं ये तुसी पीती तो पता नहीं लगा। नहीं जबरदस्त जबरदस्त काम है। नीयत ना बनाई जाती हर चीज, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बस वो इधर उधर नहीं निकल जाएगा फिर टाइम नहीं लगता। देसी अंदाज में रिड़का लगाया जा रहा है और क्योंकि अब मशीनरी भी आती है, लेकिन यहाँ अंदरून शहर में आपको लाहौर की खासियत है कि आपको यहाँ पर देसी अंदाज में ही रिड़का लगा कर हाथों से मिलेगा। और कहा जाता है कि हाथों से वो टेस्ट ही आता है जो मशीनरी से नहीं आ सकता। ले जी लस्सी तैयार हो गई और अब गिलासों में जा रही है। वाह वाह, और साथ दही की मलाई ऊपर आएगी। ये तो भाई जैसे कि कह रहे थे गाय का दूध होता है इसलिए इसकी मलाई का जो है वो चला पीला पीला होता है इस वजह से। लो जी क्या बात, नहीं जी दड़ा दर गिलास रेडी हो जा रहे लस्सी दे आई जा रहे ने आवाम खाई जा रही है। देखें जी आवाम वेट कर रही है, जैसे लस्सी तैयार हो तो फिर लस्सी पी। ये चीज़
नहीं रात लाई बड़ी गया पागल ही है ना मबे फादर आला भांडा किथे गश मदर मबे फादर आला भांडा दे यार शुभम शुभम लगे रे अच्छा वाह बोले बराबर बराबर लापरवाह हो रहे हो कल भी नहीं आए नहीं 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 असि बोंग पाए वो अगे गए ने मुंडे हले आन के पे ताड़ी लस्सी वाली की लोकेशन के बारे में बताऊं तो ये गुमटी बाजार चौक से रास्ता आ रहा है। अगर आप जेदे दूध दही वाले के पास आएंगे तो उससे पिछली गली में आप एंटर होंगे तो सीधी गली आपने एंड तक आना है तो आपको ये बच्चों वाली बाजार आ जाएगा। तो बच्चों वाली बाजार में जब भी आप आएंगे तो आप कहीं से पूछ सकते हैं कि भाई तारी लस्सी वाले को जाना है तो थानू उंगली फाड़ के छड़ दे।